तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा क्रिस्पी करारा हमारे आलू चिप्स बने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, बिना धूप में सुखाए, बिना आलू को उबाले, बिना किसी झंझट के इतना ज़्यादा क्रिस्पी करारे एकदम मार्केट जैसा आलू चिप्स को हम कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल लेस की तरह बहुत ईजली आप पटेटो चिप्स को बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो देखा आपने, बिल्कुल लेस की तरह बहुत ईजली आप पटेटो चिप्स को बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो में न्यू आए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो यह पटेटो लेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है इस तरह से कच्चे आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 कच्चे आलू लिए हैं इस तरह से। आप 1 से 2 आलू से भी चिप्स बना सकते हैं। अगर आप इससे थोड़े छोटे वाले आलू ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 से 4 आलू ले सकते हैं। अब एक पीनर की हेल्प से आलू को हम इस तरह से छील लेंगे। ये मैंने एकदम नए वाले आलू लिए हैं, इसमें ज़्यादा आपको स्टार्च नहीं मिलता है और ये आलू एकदम परफेक्ट है चिप्स बनाने के लिए। पटेटो चिप्स बनाने के लिए आपको मार्केट में बहुत ईजली मिल जाएंगे इस तरह के आलू, और इससे आप पटेटो चिप्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए, आलू को मैंने इस तरह से छील लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से धोकर भी ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक बाउल में हम थोड़ा सा इस तरह से पानी ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने पटेटो को स्लाइस करने वाला पटेटो स्लाइसर लिए हैं, जो हम सभी के घर में अवेलेबल रहती है। इससे हम बहुत ही आसानी से पटेटो को एकदम बढ़िया से स्लाइस कर सकते हैं। तो इसी से हम पूरे पटेटो को स्लाइस करेंगे। तो आप लीजिए एक पटेटो और पटेटो को आप इस तरह से स्लाइस कर लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर स्लाइस, हमारे आलू जो है एकदम बढ़िया से निकलते जाएंगे। जैसे आप बाजार में पटेटो चिप्स लेकर खाते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे 4 से 5 मिनट के अंदर बहुत ही क्रिस्पी पटेटो चिप्स को आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से एकदम प्रॉपर स्लाइस आपको करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से आपका पटेटो चिप्स निकलते जाएंगे एकदम परफेक्ट। तो ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस स्लाइसर से आप पटेटो को इस तरह से स्लाइस करते जाइए। और पानी में इस तरह से अगर हमारे आलू रहेंगे तो वो ना काले पड़ेंगे ना लाल होंगे, इसीलिए हम आलू को इस तरह से स्लाइस करते जाएंगे, वो अपने आप पानी में इस तरह से ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पटेटो चिप्स को बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों आलुओं को एकदम बढ़िया से स्लाइस करके ले लिए हैं और आप देख सकते हैं हमारे पटेटो चिप्स के स्लाइस एकदम पतले पतले इस तरह से स्लाइस हुए हैं। और इसके स्लाइसर को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे, तो इसमें जितना भी स्टार्च या कचरा होगा वो सारा निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक कॉटन का कपड़ा इस तरह से बिछा लीजिए और जो हमने आलू को पहले से धो कर रखा है वो इसके ऊपर हम इस तरह से बिछाएंगे। तो आलू को हम इस तरह से फैला देंगे। तो यहाँ जितने भी मैंने आलू लिए हैं सभी के स्लाइसेस क्या करेंगे, कॉटन के कपड़े के ऊपर इस तरह से आप फैला दीजिए, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा कॉटन के कपड़े के ऊपर इस तरह से सोख लेगा। बहुत ईजी और एकदम आसान प्रोसेस आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। आप जो बाजार से लेकर चिप्स खाते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से उसका जो मॉइस्चर है पूरा सुखाकर चिप्स बनाते हैं। और कोई दूसरा कॉटन के कपड़े से स्लाइसर को आप इस तरह से पोंछ लीजिए, ताकि इसमें जितना भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो सूख जाएगा। और ये देखिए, हमारे पटेटो स्लाइसर बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से आपके जो स्लाइसर है सूख जाने चाहिए, क्योंकि जब इसे हम ऑयल में डालेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये चिप्स हमारा ऑयल में डालते ही एकदम क्रिस्पी फ्राई होने लगते हैं। और ये देखिए, आपके जो पटेटो स्लाइसर है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। तो इसे हम किसी बाउल में इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी पटेटो स्लाइसर बिल्कुल बढ़िया से ड्राई हो गया है। तो हमें बस इसे इतना ही सुखाना है। तब चलिए इसे हम फटाफट से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से कढ़ाई में ऑयल डालकर ऑयल को एकदम बढ़िया से गर्म कर लिया है। जब आपका ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तब ये पटेटो स्लाइस को हम ऑयल में इस तरह से डालते जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रहे फ्रेंड्स, पटेटो चिप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल आपका बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, यानी कि गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ये सारे चिप्स को हम फ्राई करेंगे। तभी आपके पटेटो चिप्स एकदम बाजार जैसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे फ्राई होंगे। तो चिप्स को डालकर इस तरह से हम कलछी से अलट पलट करके बस हल्का सा हम इसे घुमाएंगे। तो यहाँ कुछ ही देर में आप देखेंगे एकदम परफेक्ट आपके क्रिस्पी करारे चिप्स हो जाएंगे। तो बस इस तरह से आप पलट पलट करके फ्राई करिए।
तो एकदम धीरे धीरे बिल्कुल इस तरह से हाई फ्लेम पे हमें चिप्स को फ्राई करना है। तभी आपको देखने से ही पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि आपके पोटैटो चिप्स कितने ज़्यादा क्रिस्पी करारे फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पोटैटो चिप्स को फ्राई करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए एकदम क्रिस्पी करारे फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से बबल आना बहुत ही कम हो गया है, यानी कि बहुत ही अच्छे से हमारे चिप्स क्रिस्पी करारे फ्राई हो गए हैं। जब इसमें से झाग आना खत्म हो जाए तब इस बात का इंडिकेशन है कि आपका पोटैटो चिप्स बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गया है। तब इसे हम फटाफट से ऑयल से निकाल लेना है। इसकी क्रिस्पीनेस देखिए, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी करारे एकदम मार्केट जैसा आपका पोटैटो चिप्स घर में तैयार हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी करारे एकदम बाजार जैसे पोटैटो चिप्स को आप बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो सेकेंड बैच की भी हम इसी तरह से डालकर क्रिस्पी करारे हम फ्राई कर लेंगे। तो एकदम लेस जैसा चिप्स आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी करारे एकदम बाजार जैसे आपके पोटैटो चिप्स एकदम लेस जैसे बने हैं। आप इसे किसी भी फ्लेवर के आलू चिप्स बना सकते हैं। अगर आपका फास्ट है तो आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर पोटैटो चिप्स को बना सकते हैं। आपके व्रत के लिए पोटैटो चिप्स बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा सा चिप्स को सॉल्टी बनाने के लिए मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ, जो हमारे चिप्स को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी और क्रंची बनाती है। तो इस तरह से आप घुमा घुमा कर टॉस कर लीजिए। तो इसकी क्रिस्पीनेस सुनिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी करारी क्रंची पोटैटो चिप्स, बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिना उबाले बिना धूप में सुखाए बिल्कुल बाजार जैसे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची सा आपका पोटैटो चिप्स बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखा फ्रेंड्स इस पोटैटो चिप्स को बनाना कितना आसान है। तो एक बार इस तरह से बनाकर जरूर से जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स इतना ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी क्रंची सा आपका पोटैटो लेस की रेसिपी कैसी लगी। और ये रेसिपी अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।